ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है अभी तक, शायद ये भी ना पहनूं, कुछ और ही पहन लूं, कुछ डिसाइडेड नहीं है। बट हाँ, गुड मॉर्निंग तो नहीं है भाई, 12 बज चुके हैं, देखिए। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टंग टू स्टोरी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू CJRS। कैसे हैं आप लोग? वेल, गुड मॉर्निंग तो नहीं है भाई, 12 बज चुके हैं, देखिए 12 बज चुके हैं, और मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हो रही है, क्योंकि मैं लेट, मतलब लेट उठी नहीं हूँ, उठ तो मैं बहुत जल्दी गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल क्वाइट अर्ली, तो मैं जल्दी उठती हूँ, जल्दी अपना काम फिनिश करती हूँ। लेकिन आप लोगों से अब मिल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, काम में बिजी थी। पर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। और किचन में हो चुकी है लंच की तैयारी, ये देखिए कड़ी बन चुकी है और कुकर में रखे हैं चावल, जब बच्चे आएंगे तब फ्रेश बनेंगे चावल। वेल यू नो, दिस इज आर टिपिकल गढ़वाली कड़ी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं गढ़वाली जो मुझे वॉच कर रहे होंगे, इफ़ यू नो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, और हमारे यहाँ एक कड़ी तो कई तरह से बनती है, लेकिन एक बहुत फेमस टिपिकल कड़ी है जिसमें हम लोग खीरा डालते हैं ग्रेट करके, तो आज मैंने वैसी बनाई है। इट्स वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, खाने में बड़ा मज़ा आता है उसको, बड़ा क्यूकम्बर का अच्छा फ्लेवर आता है उसमें, कभी आप लोग ट्राई करना। और बस भैया लंच की तैयारी हो गई है, अब हम जाएंगे बच्चों को स्कूल से लेके घर आएंगे, उसके बाद वही रूटीन, बच्चों का होमवर्क, सेम वर्क एवरी डे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हर रोज़ हर बार मैं बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ, हम हमेशा बच्चों के लिए शॉपिंग करते रहते हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं करूँगी, अपने लिए करूँगी, तो मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगाए हैं मीशो से, पता नहीं यार, मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया, मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे कपड़े हैं, क्योंकि मैंने मीशो से अपने लिए कभी कुछ नहीं मंगाया, ये पहली बार मैं मीशो से मंगा रही हूँ, और देखते हैं कैसे हैं, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। चलो, मतलब मीशो से मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े मंगाए हैं, एंड आई नो कि कपड़े अच्छे होते हैं, मतलब कपड़े तो किसी भी वेबसाइट में परफेक्ट नहीं होते हैं, यू गो टू एनी वेबसाइट यू नेवर गेट परफेक्ट क्लोथ्स एनीवेयर, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। बट हाँ, मीशो से मैंने जो मंगाया था वो मुझे अच्छा लगा था बच्चों के लिए, तो ये मैंने मंगाया है अपने लिए। इट्स अ येलो शरारा, ये देखिए अच्छा है, मैं आपको इसे पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा होगा। इसके साथ शरारा है, और इसके साथ में है दुपट्टा, दुपट्टे में काम काफ़ी अच्छा हुआ है, इसमें एक अच्छी सी लेस लगी है, ये देखिए लेस लगी है, बट दुपट्टा इसका बहुत बड़ा नहीं है, मतलब यूजुअली शरारा जब आप पहनते हैं तो दुपट्टा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मुझे इसका दुपट्टा कुछ खास बड़ा लग नहीं रहा है, लेट्स सी पहनने के बाद कैसा लगता है। और एक और मैंने मंगाया है सूट, वो भी देखते हैं कैसा है। बाय द वे, इसका मटेरियल तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये मैंने एक और मंगाया है सूट, इसको देखा जाए कैसा है। नाउ दिस इज नाइस, ये देखिए ये एक शॉर्ट कुर्ती है,
शॉर्ट कुर्ती है ये एक, एंड द कलर इज ऑल्सो वेरी ब्राइट। इसके साथ इसका जो लोअर है वो हम देखते हैं कैसा है। आई थिंक इट इज धोती स्टाइल। आई रिमेम्बर जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये, हाँ दिस इज धोती स्टाइल। लुक एट दिस। इसके साथ दुपट्टा नहीं है बाय द वे, शॉर्ट कुर्ती है, धोती स्टाइल इसकी पैंट है, और ये भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। इसमें इसके नेक पे, इसके फ्रंट में एक्चुअली बहुत स्लीक सी लेस लगी है, देखिए ये लेस, जिससे काफ़ी अच्छा इसका इम्प्रेशन पड़ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है ये, मैं इसको पहन के एक बार ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम ट्राई करते हैं, तो पहले मैं ये कपड़े ट्राई करके देखती हूँ मुझ पर कैसे लग रहे हैं, उसके बाद हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वाला कुर्ता? ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाय द वे। और वैसे मैंने ये रक्षाबंधन के लिए मंगाया है, बिकॉज रक्षाबंधन इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, फेस्टिव सीजन है। इनफैक्ट अब तो अभी जुलाई के बाद, मतलब अगस्त शुरू होते ही सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं, रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर गणपति, फिर नवरात्रे, फिर दिवाली, फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं अब तो। तो जो मैंने ये पिंक वाला कुर्ता सेट मंगाया है, विच इज़ अ धोती सेट, ये रेयॉन का है, और आई थिंक रेयॉन भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है पहनने में, नॉट जस्ट लाइक कॉटन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास रेयॉन के पहले भी काफ़ी मेरे पास कपड़े हैं, तो रेयॉन भी कंफर्टेबल होता है समर्स में, आप उसको पहनते हैं तो काफ़ी स्वेट फ्रेंडली होता है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। और ये जो येलो वाला कुर्ता है शरारा, दिस इज़ ऑल्सो रेयॉन मिक्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। और इन दोनों के ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो आप इसे खरीद सकते हैं। नॉट दैट कि मैं मीशो का प्रमोशन कर रही हूँ, बट मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। और जो ये पिंक वाली कुर्ती है, ये मुझे काफ़ी लूज आ रही है क्योंकि मैं थोड़ी पतली हूँ, तो अगर कोई मुझे ऐसा पतला इसको पहनने वाला है तो वो स्मॉल या मीडियम मंगाए अपने लिए। लेकिन अगर आप लार्ज मंगाते हैं तो फिटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने लार्ज मंगाया था उस टाइम पर मीडियम या स्मॉल अवेलेबल नहीं था,
तो आप चाहो तो लाज मंगा के फिटिंग करा लो उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग भी हो जाएगी, मगर मैं फिटिंग नहीं कराऊंगी बिकॉज आई प्रेफर वेयरिंग लिटिल लूज, एज आई सेड दिस मटेरियल ऑल्सो स्वेट फ्रेंडली, सो इट्स क्वाइट ईजी टू वेयर ऑल्सो। तो गाइज ये थी मेरी रक्षाबंधन की शॉपिंग जो मैंने झटापटी कर ली, और पता नहीं मैं क्या पहनूंगी, पिंक पहनूंगी, येलो पहनूंगी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है अभी तक, शायद ये भी ना पहनूँ, कुछ और ही पहन लूँ, कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ मैं उस दिन ब्लॉग शूट करूँगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या पहना था, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या पहनने वाले हैं, लीव अ कॉमेंट एंड लेट मी नो। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई, और आज फ्राइडे है एंड एज वी ऑलवेज से TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो हैप्पी वीकेंड ऑल्सो। और जो मेरे चैनल पर न्यू है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, I'm signing off. Take care of yourself. Bye-bye.